5,000 का ट्रांजेक्शन फेल हुआ बट 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला। आइए बताता हूँ कैसे। हरीश चंद्र नाम का एक पर्सन यूको बैंक के एटीएम से 5,000 रुपए निकालने जाते बट किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पैसे नहीं निकला और अकाउंट से पैसे कट गया। इन्होंने कई बार कंप्लेन किया बट बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया और 2 साल से ज्यादा टाइम निकल गया। फिर इन्होंने आरटीए के तहत कंप्लेन किया तो बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के इनके अकाउंट में 5,000 एंड 2,000 रुपए क्रेडिट हो गए। बट भाई इतने से कहां मानने वाले थे। अगेन हरीश ने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन किया और कंपनसेशन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस की डिमांड करी। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार अगर एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होता है बट अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं तो विद इन 5 डेज अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हर दिन की डिले पर बैंक को कस्टमर को डेली 100 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसीलिए इस केस में आरबीआई ने हरीश को 1,07,800 रुपए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस पे किया और 50,000 का एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन और पे करना पड़ा। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा सिचुएशन होता है या हुआ है तो कंप्लेन जरूर करें, क्योंकि भले ही लेट ही सही लेकिन जस्टिस जरूर मिलेंगे।